तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग के पास है एसर स्पायर 7। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोर i5 12th जनरेशन 2022 वाला GTX 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ ये आता है। ये देख लीजिए, ये GTX 1650 4GB ग्राफिक कार्ड है। इसमें आज हम लोग एक्चुअल में करने वाले हैं रैम अपग्रेड। देखिए, इसमें 8GB की रैम लगी हुई है, 8GB की रैम है और 32 MHz क्लॉक स्पीड के साथ। तो आज हम इसमें रैम अपग्रेड करने वाले हैं, 16GB रैम अपग्रेड करेंगे। थोड़ा सा और परफॉर्मेंस चाहिए अपने को, और गेमिंग करते हैं तो इस वजह से गेमिंग चाहिए, और इसीलिए हम आज रैम अपग्रेड करने वाले हैं 8GB। और तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि लैपटॉप के बैक पे हम आ गए हैं, इसका स्क्रू हम लोग खोल लें, सारे स्क्रू एक एक करके खोल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्क्रू होता है, आप लोग को दिखे ना, इस पर लिखा रहता है वारंटी वॉइड हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं, ऐसे भी उखाड़ सकते हैं, स्टिकर की ना उखड़े। मैंने तो इसको पूरा छेद कर दिया है। अब सारे स्क्रू हम खोल लेंगे। अब देखिए, ये हम लोग रैम मंगाए हैं क्रुशियल की तरफ से, आती है 8GB की, 32 MHz की, अमेज़ॉन पे मिलती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहुत ज़्यादा इसकी रेटिंग है, बहुत लोग इसको खरीदे हुए हैं, तो मैंने इसी को मंगा लिया है। अप्रॉक्स 2000 का प्राइस इसका आता है। अब आप देख सकते हैं, अभी का प्राइस मैं बता दे रहा हूँ, 2000 आता है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जैसा कि लैपटॉप के सारे स्क्रू हमने खोल लिए हैं, अब इसको हम खोलते हैं। ये देखिए, इसका फैन है, ये पूरी हीट पाइप दी गई है, 3 हीट पाइप इसमें दी गई है। इसका एक और मॉडल आता है RTX 2050 जो ग्राफिक के साथ, उसमें सिर्फ 2 पाइप्स दी गई है, इसमें 3 पाइप का दिया जाता है, उसकी TGP हाई है। तो ये RTX 2050 वाले से ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारी रैम है, ये एक इसमें देखिए पहले से एक ऑक्यूपाइड है 8GB रैम का, और ये एक्स्ट्रा रैम हम लोग लगाने वाले हैं। तो रैम लगाना उससे ईजी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती लैपटॉप में। बस ये ब्लॉक आपको दिखता होगा, यहाँ पे मैच करा के ऐसे ये अंदर चला गया। बस इसको ऐसे देखिए, ये प्रेस कर दिए, क्लिक की आवाज़ आएगी, ये रैम आपकी बैठ गई। और ये देखिए, यहाँ पे M.2 SSD दी गई है, ये देखिए। और इसमें ये वाला जो स्लॉट है, ये Gen 4 का है, और यहाँ पे देखिए एक और स्लॉट दिया गया Gen 3 का। हाँ, Gen 3 इसमें लगा सकते हैं, एक में 4 आता है और एक में आपको 3 लेना पड़ेगा। ये थोड़ी सी ख़राब बात है। और ये देखिए, टाइप सी है जो कि Thunderbolt 4 को भी सपोर्ट कर सकता है, ताकि आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसफ़र रेट से स्पीड आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का तो काम हो गया। अब इसको कवर करके देख लिया जाए कि रैम हम लोग की शो कर रही है या नहीं। तो उसके लिए हमें सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा और टास्क मैनेजर देखते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अपनी स्क्रीन पे वापस आ गए हैं। अब हम लोग की रैम लग गई है। अब हम लोग चेक करेंगे कि सिस्टम में शो कर रही है कि नहीं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस्केप दबा के आप टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। ये शॉर्टकट की है टास्क मैनेजर की। ये विंडोज़ 11 है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा नया वाला वर्जन जो विंडोज़ 11 का है चेंज हो गया। यहाँ पे जाके अब मेमोरी में हम लोग आएंगे, ये देखिए, अब हम लोग का 16GB शो करने लगा है। यहाँ पे देखिए लिखा है स्लॉट यूज 2 of 2, यानी कि दोनों स्लॉट फुल हो गया हम लोग का। इससे पहले 1 of 2 लिखा था, ठीक है। तो हम लोग की रैम सक्सेसफुली अपग्रेड हो गई है। तो अब इसके गेमिंग परफॉर्मेंस पे एक बार देख लिया जाए हम लोग। तो हम लोग इसका गेमिंग टेस्ट चालू करते हैं। गॉड ऑफ वॉर 4 स्टार्ट किया जाएगा, और इसको खेल के देखा जाएगा कि क्या हम लोग को कुछ अपग्रेड मिला है या नहीं मिला है। खुल लिए गेम। ये गॉड ऑफ वॉर 4 है, ये गेम हम लोग की खुल गई है गॉड ऑफ वार। एक बार मैं सेटिंग दिखा देता हूँ आपको। ग्राफिक, ये ओरिजिनल ग्राफिक पे चला रहा हूँ मैं, और डिस्प्ले मैंने FSR ऑन रखा हुआ है क्वालिटी पे। तो आइए इसकी क्वालिटी देखते हैं क्या क्या है।
हम लोग की गेम बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है। मतलब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि इसकी FPS जो है प्रॉपर बहुत अच्छे FPS आ रहे हैं। इससे पहले मुझे कम FPS मिल रहा था, अब मुझे 60 प्लस FPS मिल रहे हैं। FPS मीटर तो नहीं लगाया मैंने, लेकिन देख सकते हैं गेम कितनी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। ये देख सकते हैं वो कितना अच्छी परफॉर्मेंस ये लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ इसमें रैम अपग्रेड होने से। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखा जाए क्या चल रहा है। इसे मैं एक बार कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर से खेल रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी गेम है और देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस ये डिलीवर कर रहा है। मैंने इसे 8 GB रैम पे खेला था तो मुझे क्लियरली FPS समझ में आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छे FPS डिलीवर कर रहा है। थैंक यू वॉचिंग करने के लिए। देखिए इसी तरह से रैम अपग्रेड की जाती है और इस लैपटॉप का बता दिया क्योंकि ये लैपटॉप नया आया है 2022 में और इसे रिलीज़ हुए में भी 2 to 3 months हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आइए हम लोग GTA 5 का भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट नहीं किया तो मतलब क्या ही खेला गेम। लोग कमेंट में गाली देने लगते हैं कि GTA 5 कहाँ है, GTA 5 कहाँ है। तो GTA 5 ये खुल गई हम लोग की। गेम खुल ली, खुलने में समय लगता है। थैंक्स फॉर M.2 SSD जनरेशन 4 जो कि इतना फिर भी जल्दी खोल दिया इसने। ये लैपटॉप एक्चुअल में फुल्ली गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये थोड़ा सा प्रीमियम सीरीज को भी करता है कि हाँ जिसको बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं है और उसको ग्राफिक कार्ड चाहिए, परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए तो वो इसको ले सकता है। HP के कुछ मॉडल्स आते हैं तो उसमें क्या है कि वो थोड़े से बल्की होते हैं। ये बल्की नहीं है, फुल मेटल बॉडी, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर मिल जाता है नीचे ट्रैक पैड के पास। यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, तो ये वैसा लैपटॉप है जिसको प्रीमियम टाइप में बुक टाइप के लैपटॉप चाहिए। तो ऐसा हम लोग की गेम खुल गई है, हम लोग कैरेक्टर चेंज कर देते हैं। किसको लिया जाए, फ्रैंकली को लिया जाए कि माइकल को लिया जाए? माइकल को लेते हैं। तो अगर आपको GTA 5 पसंद है तो कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और अगर आपने खेली है तो। ये मैं आपको, अरे ये क्या कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इस गेम में 60 FPS प्रॉपर मिल रहे हैं। मैं अभी आपको ग्राफिक भी दिखाता हूँ, कितने ग्राफिक पे मैं खेल रहा हूँ। इसे ग्राफिक दिखा दिया जाता है और सेटिंग में ग्राफिक देख सकते हैं। हमारी वी रैम जो है ग्राफिक 4 GB की है जिसमें से 3.3 GB यूज़ हो रही है। ग्राफिक जो है मैंने कस्टमाइज़ किया, रिकमेंडेड ग्राफिक नहीं है, मैंने सब चीज़ वेरी हाई पे किया हुआ है। ये देख सकते हैं वेरी हाई सब चीज़ वेरी हाई पे है। ठीक है, और एडवांस ग्राफिक में मैंने शेडो स्केलिंग को इतना रखा हुआ है, मतलब प्रॉपर ऑलमोस्ट फुल ग्राफिक जितनी हो सकती थी। थोड़ी सी मैंने ग्राफिक कम रखी क्योंकि वी रैम का फिर भर जाती है, इस हिसाब से थोड़ा सा सेफली मैं चल रहा हूँ। आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है ये लैपटॉप, क्या परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है समझ सकते हैं। मैं यही कहता हूँ क्योंकि विंडोज़ 10 और 11 जो है ऑलमोस्ट 3 GB रैम कंज्यूम कर लेती है, तो फिर गेम के लिए ज़्यादा उतना बच नहीं पाता। और ये सब गेम जो है रैम और ग्राफिक डिमांडेड गेम है, इस वजह से 16 GB रैम NFS के लिए। चलिए वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं, पूरा रिव्यू हो गया इसका, पूरा डिटेल दे दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल।